आस्था टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें संत महात्माओं के श्रीमुख से सुनाई गई कथाएं, प्रवचन, भजन और बेल आइकन दबाकर पाएं हमारे चैनल की ताजा अपडेट। दो वस्तु हैं, एक तो है तत्व, दूसरी है लीला। तत्व माने श्यामा श्याम कौन है, गोपियां कौन हैं, सखियां कौन हैं, धाम क्या है, ये तत्व है। तत्व को जानना भी बहुत जरूरी होता है, इसलिए कथा तत्व चर्चा से ही प्रारंभ हुई कि भगवान के हृदय से ही उनकी अल्लादनी शक्ति प्रकट हुई, फिर किस प्रकार समस्त सखियां, मंजरी गण, धाम का प्रादुर्भाव, ये तत्व है। श्री कृष्ण कौन है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही श्री कृष्ण है और उन्हीं की स्वरूप शक्ति, उन्हीं की अहलादनी श्री राधा है और उन श्री राधा की ही स्वरूप शक्ति, उन्हीं की कायव्यू रूपा, उन्हीं की अंश अष्ट सखियां, मंजरियां, गोपियां हैं। ये सब भी प्रिया जी का ही स्वरूप है। श्री राधा ही अपने प्रियतम को सुख देने के लिए अनंत रूप धारण करती हैं। काम में और प्रेम में ये सूक्ष्म अंतर होता है। काम उसको कहते हैं जहां अपने सुख की चाहना होती है, प्रेम उसको कहते हैं जहां प्रेमास्पद के सुख की चाहना होती है। जब भी कहीं प्रेम होगा तब जिससे हम प्रेम करते हैं उसको सुख देने की भावना चित्त के भीतर पैदा होगी। हम जहां भी प्रेम करते हैं और यदि सुख देने की नहीं, सुख लेने की भावना है तो फिर वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है, वो काम है। तो श्री राधा रानी तो प्रेम का सिंधु हैं, उन्होंने ही अनंत रूप धारण किए हैं, ललिता विशाखा जी के रूप में, गोपियों के रूप में, मंजरी गण के रूप में, उन्हीं का अंश अंशांश है सब और सबका लक्ष्य एक ही है, युगल को सुख देना। रसिकों ने तो कहा है श्री कृष्ण निरंतर यही विचारते हैं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे प्रिया जी को सुख हो। प्रिया जी निरंतर इसी चेष्टा में रत हैं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे प्रियतम को सुख हो, संतोष हो। सखी मंजरी गण निरंतर यही चाहती हैं, हम ऐसा क्या करें जिससे प्रिया और प्रियतम दोनों को सुख हो। और ये नित्य श्री वृंदावन धाम ये यही विचारते हैं, हम ऐसा क्या करें जिससे प्रिया, प्रियतम और सखियां, इन सबको सुख। सुख देने की होड़ है, लेने की होड़ नहीं। तो जो सुख देता है उसको सुख मिलता नहीं क्या? ये संसार का नियम है, जो वस्तु बांटी जाती है वही वस्तु प्राप्त होती है। अगर कोई पंगत में घी की परोसाई कर रहा है, सबको माखन परोस रहा है, तो उसके हाथ चिकने होने से बचेंगे नहीं। अमृत बांटेंगे तो अमृत मिलेगा, विष बांटेंगे तो विष मिलेगा। तो प्रिया जी के ये अनंत रूप हैं और उन्हीं से सेवित उस उपवन में विराजमान है ये शाश्वत अविचल झांकी, श्री सुखदेव जी के चित्त में बसी है। श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया तो कह रहे थे दो वस्तुएं हैं, एक तत्व है, एक लीला है। तत्व ये है कि श्री कृष्ण पूर्ण परमात्मा है, श्री कृष्ण ही श्री राधा है, एक ज्योति बुद्धवेदा राधा माधव रूपकम, उन्हीं प्रिया जी के काव्य रूपा सखियां हैं, ये तत्व है।
माने एक ही श्याम सुंदर ने, एक ही श्री जी ने अनंत रूप धारण कर लिए हैं, ये तत्व है। इस बात को भूलना नहीं है कि वे मूलतः हैं कौन, पर तत्व एक बर्तन है, एक समझ है और लीला एक रस है। जैसे दूध पीना हो तो कोई बर्तन चाहिए दूध पीने के लिए, बिना पात्र के दूध नहीं पिया जाएगा। अगर बर्तन टूट जाएगा तो दूध भी बिखर जाएगा। ऐसे जब तत्व की ठीक ठीक समझ नहीं होती या तत्व को व्यक्ति विस्मृत कर देता है, तब ही लीला का रस छलक जाता है, बिखर जाता है, संदेह हो जाता है।